अनुसूचित वर्ग की महिला से अभद्रता करना पड़ा महंगा, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हाइट्स कंपनी की महिला सुपरवाइजर और महिला सुरक्षा कर्मी के बीच चल रहे विवादों के बीच आज एचाक थाना में महिला सुपरवाइजर सहित एक अन्य कर्मचारी के विरुद्ध एसटीएससी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले को फिलहाल जांच में लिया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत हाइट्स कंपनी की महिला सुपरवाइजर अर्चना शुक्ला और महिला सुरक्षाकर्मी रानी पासी के बीच बीते दिनों वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद रानी पासी द्वारा मामले की शिकायत अजाक थाने में दर्ज कराई गई थी। यहां पुलिस ने इस कंपनी की महिला के सुपरवाइजर अर्चना शुक्ला और कंपनी के कर्मचारी प्रशांत पांडे के खिलाफ एसटीएससी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि वायरल वीडियो में महिला के द्वारा अभद्रता एवं मुंह से चप्पल उठाने की बात कही गई थी, जिसके बाद काफी विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी और महिला सुरक्षा कर्मियों ने हड़ताल तक कर दी थी। प्रस्तुत है डीएसपी अजाक उमेश प्रजापति से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, सफाई कर्मी के मामले में एफआईआर दर्ज है, क्या है सर पूरा मामला? ये संजय गांधी अस्पताल में एक प्राइवेट फर्म की कर्मचारी थी रानी पासी, जो वहाँ पर काम करती थी, जिनके साथ उनकी जो सुपरवाइजर हैं जो उसी कंपनी की हैं और एक और अन्य कर्मचारी हैं, जो उनके साथ उन्होंने जातिगत गालियाँ दी थी, उस पर अपराध कायम किया गया है। इसमें दो लोग आरोपी बने हैं, ये कि उनकी सुपरवाइजर हैं अर्चना शुक्ला जो यूडीएस कंपनी की कर्मचारी हैं, और दूसरा प्रशांत पांडे नाम के व्यक्ति हैं जो जिन्होंने उनके साथ गाली गलौज किया था, अपशब्द कहे थे, उनके खिलाफ मामला कायम किया गया।